मेथी की ये रेसिपी शायद आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी, चाहे स्पेशल ओकेजन हो या कहीं यात्रा में जाना हो या रोजमर्रा घर में खाना हो, हर मौके के लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप मेथी ली है। इस मेथी को मैंने साफ़ करके अच्छे पानी से धो लिया है, तो 2-3 बार आप पानी से धो लें जिससे मेथी के ऊपर कोई मिट्टी वगैरह हो वो निकल जाए। अब इस मेथी को हम काट लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक परात ली है, परात में मेथी को हम काट लेते हैं। तो मेथी को इस तरह से हाथ में लेकर के आप कैंची से काट लें या चाकू से भी काट सकते हैं। तो अच्छा महीन काट करके तैयार करना, कैंची से आराम से महीन कट जाती है। मेथी खरीदते समय इस चीज़ का ध्यान रखें, मेथी के पत्ते हैं थोड़े मोटे होने चाहिए, उस मेथी की बरगत होती है। पतले पत्ते वाली मेथी है खाने में भी अच्छी नहीं लगती है, उसकी बरगत नहीं होती है। इस तरह से मैंने पूरी मेथी को काट करके तैयार कर लिया है। तो आप देख पा रहे एकदम महीन मेथी कट के तैयार हुई है। इसी तरह से मेथी काट के हमें तैयार करनी है। अब इस मेथी के अंदर हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो इसमें 1/4 छोटा चम्मच जितना लाल मिर्ची डाल देते हैं और 2 पिंच जितनी इसमें हल्दी डाल देते हैं और 1/4 छोटा चम्मच जितना इसमें अजवाइन डाल देते हैं। अजवाइन को इस तरह हाथ में लेकर के मसल के डालें, इसे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और 1/4 छोटा चम्मच जितना ही जीरा डाल देते हैं और 1/4 छोटा चम्मच जितना ही धनिया का पाउडर डाल देते हैं और 1/4 छोटा चम्मच जितना ही नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और लगभग 2 पिंच जितनी इसमें हींग डाल देते हैं। हींग डालने से क्या है, बेसन वगैरह पाचन में अच्छा रहता है। और इसमें 1 छोटा चम्मच जितना तेल डाल देते हैं। तेल इसमें ज़्यादा नहीं डालना है और सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से पहले मसाले डाल देंगे तो आराम से सब मसाले मिक्स हो जाएंगे। अभी मैंने 1 कप जितना बेसन लिया है, ये महीन वाला बेसन है जो कि हम रोज़ यूज करते हैं, इसको इसमें डाल देते हैं और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले इसमें हमें कोई तरह का पानी वगैरह नहीं डालना है, एक बार मेथी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मेथी के अंदर पानी निकलता है वो सब बेसन के अंदर मिक्स हो जाएगा। बेसन की कोई भी चीज़ वगैरह बनाते हैं तो उसमें हींग भी ज़रूर डालना चाहिए और अजवाइन भी ज़रूर डालना चाहिए, जिससे क्या बेसन पाचन में क्या हल्का रहता है। इस तरह से मेथी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दही डालेंगे। तो ये मैंने लगभग 1 टेबल स्पून जितना दही लिया है। यहाँ मैंने फ्रेश दही का इस्तेमाल किया है। आप दही नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पर आप पानी डाल सकते हैं। दही से क्या हल्की सी खटाई आती है और उस दही का क्रीमी टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। दही कभी भी थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि बेसन ज़्यादा पानी या दही को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए दही वगैरह थोड़ा थोड़ा डालें। दही डालने के बाद हल्का हल्का मिक्स करते रहें। अभी थोड़ा सा दही हम और डालेंगे। इसका हमें टाइट आटा गूंद के ही तैयार करना है। क्या सर्दियों के मौसम में मेथी अच्छी आती है, इसीलिए हमें सर्दियों के मौसम में ज़रूर बनाना चाहिए। इस तरह से हमने आटा गूंद करके तैयार कर लिया है। आटा देखिए एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गया। यदि आपके आटा गीला हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा बेसन मिक्स कर सकते हैं, या सूखा रह जाता है थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकते हैं या दही डाल सकते हैं। अभी इसके हम छोटे छोटे लोई तोड़ लेते हैं। जैसे पूरी के लिए लोई बनाते हैं वैसे ही लोई बनाना है हमारे को। इस रेसिपी में मैंने यही ध्यान रखा है, चाहे आप फर्स्ट टाइम भी ये घर में बना रहे हो, आसानी से बनाकर तैयार कर लेंगे और एकदम परफेक्ट बनेंगे, कहीं भी गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। ये हमने 6 लोई बना करके तैयार कर लिए। अभी यहाँ पर 1 लोई को ले लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा बेसन लगा देते हैं। इसी के साथ इसके ऊपर भी थोड़ा बेसन लगा देते हैं, क्योंकि बेसन की चीज़ होती है वो चिपकती बहुत है। फिर आप इसे बेल लें इस तरह से, क्योंकि मेथी के अंदर भी पानी होता है, तो इसीलिए थोड़ा बेलने के लिए बेसन लगाना पड़ेगा आपको। इसे मैं बहुत पतला नहीं बेलना है, इस तरह से मोटा ही बेल के तैयार करना है। साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कैसे बेल सकते हैं, ज़रूर नहीं आप एकदम गोल बना के तैयार करें या पास में फट रहा है तो कोई बात नहीं। एक मैं आपको और दिखाती हूँ। एक लोई मैंने ले ली है और थोड़ा सा बेसन यहाँ पर आप ज़रूर लगाएं और इसके ऊपर भी थोड़ा बेसन लगा दें। आप 4 से 5 इंच का आराम से इसमें बेल पाएंगे। देखिए इस तरह से बेल करके तैयार कर लिया। अभी साइड में हमने कढ़ाई में पानी उबाल लिया है और पानी में अच्छा उबाल आ जाता है, उसके बाद में इसमें 1-1 करके डालना है, क्योंकि जैसे ही डालते हैं पानी में उबाल थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। उबाल इसमें कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। अभी वापस पानी में उबाल आ गया है, 1-1 करके इसमें डाल देंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे पकेंगे अपना आप ही ऊपर आते रहेंगे। जैसे आपको लगे पानी में उबाल थोड़ा कम पड़ गया है तो आप थोड़ी देर रुक जाएँ, फिर उबाल आ गया पानी में, अभी इसमें और डाल देते हैं। इस तरह सभी को हमने इसमें डाल दिया है। पानी में आप देख पा रहे हो उबाल बराबर आ रहा है। अभी इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगाने से क्या जल्दी पक जाएंगे। अभी इसे पकाते हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सभी ऊपर आ गए हैं, पानी में उबाल कंटिन्यू चल रहा है। देखिए इस तरह से उबाल चलते रहना चाहिए। इसमें आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि नीचे जाके चिपक जाएंगे, चिपकते नहीं, अच्छे उबल जाते हैं। इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना, पानी अच्छे उबलता रहना चाहिए। कुल मिला के इसे पकाने में लगभग हमारे को 10 मिनट लगेंगे। 2 मिनट मैंने पका लिया है, 8 मिनट और पका लेंगे।
अभी इसे पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो गया है, अभी इसे खोल के देख लेते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ इसके पकने की निशानी क्या है। इसके ऊपर देखिए हल्के हल्के बॉइल्स आ गए, छोटे छोटे बॉइल्स आपको दिख रहे हैं, इस तरह से बॉइल्स आ जाते हैं, ये इसके पकने की निशानी होती है। यदि आपको इस तरह से चेक नहीं करना है तो आप अंदाजन 10 मिनट तक पक्का पका लें, 10 मिनट के बाद में ये परफेक्ट पक जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखें, पकाने के समय यदि ये टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, उसके रेसिपी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए करके हम प्लेट में निकाल लेते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। इसे हमें गर्मा गर्म यूज़ नहीं करना है, हल्का ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने के बाद ही यूज़ करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये रेसिपी कितनी यूनिक बन के तैयार हो रही है। देखिए हल्का सा मेरे भी ये टूट गया है, तो कोई बात नहीं, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, टूट जाते हैं। जितने सॉफ्ट बनेंगे खाने में उतने ही स्वादिष्ट लगेंगे। इस तरह से हमने सभी को निकाल लिया है और आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर जो बॉइल्स आए वो इजीली दिख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे पक गए हैं। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं साइड में मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में लगभग 2 टेबल स्पून जितना घी डाल देते हैं। यहाँ मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी हम गैस को चालू कर देंगे। अभी घी हमारे गर्म हो गया है तो मैंने 7-8 कलियाँ लहसुन की ली है, इसको मैंने इस तरह छोटा काट लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। लहसुन को हम अच्छे से पका लेंगे। इसी के साथ 1/2 टीस्पून जितना जीरा डाल देते हैं और 1 टीस्पून जितना सौंफ डाल देते हैं। मेथी के साथ में सौंफ का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, सौंफ के कारण से मेथी का कड़वापन थोड़ा कम लगता है। 1/2 इंच मैंने अदरक लिया जिसको मैंने लच्छों में काट लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। आप चाहे तो अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं या अदरक को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, तो अदरक का कच्चापन भी इसी के साथ साथ निकल जाएगा। और 2 मैंने हरी मिर्ची ली है जिसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। मिर्ची जब अच्छे से पक जाती है तो उसका तीखापन थोड़ा कम हो जाता है। ये 5-7 मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। आप देख पा रहे हैं लहसुन का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, इतना ही हमें कलर चेंज करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अभी मैंने 1 प्याज लिया जिसको महीन महीन काट लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर प्याज लहसुन का इस्तेमाल किया है, यदि आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अभी प्याज हल्के ट्रांसलूसेंट दिखने लग गए हैं, हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इसका ब्राउन कलर नहीं करना है, हल्के ट्रांसलूसेंट दिखने लग जाते हैं उतना ही पका के तैयार करना है। अभी इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं, तो 1 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच जितना ही धनिया का पाउडर डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच जितना ही कश्मीरी लाल मिर्ची डाल देते हैं और 1/4 छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं और इनको अच्छे से पका लेते हैं। आप देख पा रहे हैं मैंने इसमें टमाटर ऐड नहीं किया है, आज मैं टमाटर की खटाई नहीं डालूंगी इसमें। तो मैंने 1 कप दही लिया है, ये थोड़ा गाढ़ा दही है, ये इसमें डाल देते हैं। दही को डालते ही हमें फटाफट चलाना है, नहीं तो दही फट जाता है। दही के साथ में हमारे मसाले भी अच्छे पक जाएंगे और दही के अंदर भी जो घी होता है वो छूट जाता है, जिससे इसका क्रीमी टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अभी मसाले को पकते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं तो मसाले में से पूरा घी छूट गया है, आप देख पा रहे हैं। अच्छा जालीदार मसाला पक के तैयार हुआ है। इस तरह से मसाला पकना चाहिए, उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अभी थोड़ी सी इसमें हम कसूरी मेथी डाल देते हैं, लगभग 1 टेबल स्पून जितनी मैंने कसूरी मेथी ली है, इसको इस तरह से चूरा करके डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। अभी मसाला हमारा अच्छा पक गया है और जिस पानी के अंदर हमने उबाला था उसी पानी को इस्तेमाल करेंगे, तो 2 कप जितना इसमें पानी डाल देंगे, पानी हमारा वेस्ट भी नहीं होगा और ग्रेवी इसकी अच्छी बन जाएगी। इसी के साथ बेसन का और मेथी का काफ़ी अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आ गया है, ग्रेवी आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी बनी है इसकी। अभी आँच को हम धीरे कर लेंगे और धीरे आँच में इसे उबलने के लिए रख देंगे। जब तक इसमें उबाल आ रहा है साइड में मैंने एक पैन लिया है और पैन में लगभग 2 टेबल स्पून जितना तेल डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। अभी तेल हमारा गर्म हो गया है, आँच को हम थोड़ा धीरे कर लेते हैं और इसमें 1/2 टीस्पून जितना राई डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून जितना ही जीरा डाल देते हैं और 1/4 छोटा चम्मच जितना हींग डाल देते हैं। यदि आपके हींग ज़्यादा स्ट्रांग हो तो थोड़ी कम डालें और सभी चीज़ों को अच्छे से पका लेते हैं। अभी राई भी चटकने लग गई है तो 2 मैंने हरी मिर्ची ली है, इसको लंबा लंबा काट लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। इस तरह से मिर्ची काट के डालने का फ़ायदा ये है, यदि आपके बच्चे मिर्ची वगैरह नहीं खाते हैं तो निकाल सकते हैं। इसी के साथ मैंने 1/2 इंच जितना अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको लंबा लंबा काटा है, ये भी इसमें डाल देते हैं और 8-10 कड़ी पत्ते डाल देते हैं। कड़ी पत्ते का फ्लेवर इस पर बहुत अच्छा लगेगा। ये सभी चीज़ें अच्छे से पक गई है। सभी चीज़ें पकने के बाद में मैंने 3 प्याज लिए हैं, ये मीडियम साइज़ के प्याज है जिसको मैंने लंबा लंबा काटा है। आप चाहे तो प्याज को छोटा छोटा काट के भी डाल सकते हैं, तो इस तरह का प्याज है इसके अंदर ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी इस प्याज को हमें तब तक पकाना है जब तक कि हल्के ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाए, आज को इस समय हम थोड़ा धीरे कर लेंगे। तब तक साइड में ये भी ठंडे हो गए हैं, ठंडे होने के बाद में अभी इसे हम काट लेते हैं। इस तरह से 1 पीस को लेकर के आप अपने हिसाब से इसे छोटा बड़ा काट सकते हैं।
या मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने स्क्वायर काट के तैयार किया है, ये इजीली कट जाएंगे, कोई टूटेंगे वगैरह नहीं। आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी शेप में काट कर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हमने सभी को एक ही साइज के पीस में काट करके तैयार कर लिया है। देखिए सभी पीस जैसे एक जैसा दिख रहा है। देखिए अभी साइड में जो हमने ग्रेवी बना के रखी थी उसके अंदर भी उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद में जो हमने बना के रखे हैं आधे इसमें डाल देंगे, रफली आप आधे इसमें अंदाज से डाल दें। आपको देख के लग रहा होगा कि शायद अंदर जा कर के गल जाएंगे, पर गलते नहीं अंदर जा कर के, ये इंटेक रहते हैं। अभी हम आँच को थोड़ा धीरे कर लेंगे, धीरे करके ढक्कन लगा करके इसे 3 से 4 मिनट तक और पका लेंगे। 3 से 4 मिनट के अंदर ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो जाएंगे और रस को अब्जॉर्ब कर लेंगे, अच्छे रसीले हो जाएंगे। अभी साइड में हमारे प्याज भी ट्रांसलूसेंट दिखने लग गए हैं। अभी इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। इसमें 1 छोटा चम्मच जितना लाल मिर्ची डाल देते हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्ची है, तीखी ज़्यादा नहीं होती, कलर बहुत अच्छा आता है। और 1/2 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1/4 छोटा चम्मच जितना हल्दी डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच जितना धनिया का पाउडर डाल देते हैं और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मसाले हमारे अच्छे से पक्के तैयार हो इसलिए इसके अंदर हम थोड़ा पानी डाल देते हैं, लगभग 2 से 3 टेबल स्पून जितना इसमें पानी डाल देते हैं, इससे मसाले अच्छे फूल जाएंगे। मसाले अच्छे पक्के वो होते हो तो सब्जी के अंदर स्वाद अच्छा आता है। देखिए मसाले बहुत ही अच्छे फूल गए हैं, अभी तेल भी छूट गए हैं। अभी जो हमने काट के रखे थे आधे बचा के रखे थे वो इसमें डाल देते हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस सब्जी के अंदर प्याज थोड़ा ज़्यादा ऐड करते हैं, इसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऐसे सब्जी बना करके यदि आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं अपने साथ में लेकर जाएंगे तो खाने में बहुत अच्छी लगेगी। या आपको टिफिन में वगैरह ले जाना हो या ऑफिस जा रहे हैं तो अपने साथ में ले जाना हो आराम से ले जा सकते हैं। अभी खटाई के लिए इसमें हम 1 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर डाल देते हैं। इसमें अमचूर की खटाई बहुत अच्छी लगती है। आप इसमें टमाटर नहीं डालें, टमाटर डालने से क्या है सब्ज़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। आप टिफिन में ले जाएंगे तो सुबह से शाम तक भी एक सब्ज़ी ख़राब नहीं होती है। अभी इसमें हम हरा धनिया डाल देते हैं। हरा धनिया आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। अभी इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। अभी साइड में ग्रेवी वाली सब्जी को पकाते हुए भी लगभग 4 मिनट हो गए हैं, इसको भी खोल के देख लेते हैं। देखिए सब्ज़ी बहुत ही अच्छी पक गई है और सभी पीस देखिए अच्छे से पक गए और सॉफ्ट भी हो गए सभी पीस। अभी लास्ट में इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डाल देते हैं, या 1/2 छोटा चम्मच जितना गर्म मसाला डाल देते हैं और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। इस तरह से हमने 2 बिल्कुल नए तरीके से मेथी की सब्जी बना करके तैयार कर ली है। मैं मेरे घर में इसे मेथी की कतली की सब्जी बोलती हूँ। यदि आपको राजस्थान के गट्टे की सब्जी या पितौड़ की सब्जी खाना पसंद है तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोनों ही सब्जियों को आप रोटी पूड़ी पराठा या चावल के साथ भी खाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। तो इस मौसम में आप भी अपने घर में ये सब्जी ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।